अस्सलामु अलैकुम आदाब, बीबीएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रेवा में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, हादसे में पायलट की हो गई मौत। कर्नाटक से आईएसआईएस के दो मुश्तबा ऑपरेटर गिरफ्तार, कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 6 मुकामात पर मारे छापे। और रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तवा। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद हल्द्वानी के आवाम में जश्न। और अब खबरों की तफसील। रियासत मध्य प्रदेश के रेवा में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। बताया जा रहा है कि पल्टन कंपनी का ट्रेनिंग देने वाला तैयारा उमरी में एक मंदिर के गुंबद से टकरा कर गिर गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट शदीद जख्मी हुआ है। फिलहाल जख्मी पायलट का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। रेवा शहर के चौरहाटा एयरपोर्ट पर रात में 1 बजे यह हादसा पेश आया, जहां एक तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे की तला मौसूल होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों जख्मियों को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज एक पायलट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा अचानक मंदिर के गुंबद से टकरा गया और गिरकर तबाह हो गया। इंतजामी अमला मौके पर पहुँच गया। वाकये की भी तहकीकात की जा रही है। रियासत कर्नाटक में एनआईए ने 6 मुकामात पर छापेमारी करते हुए आईएसआईएस के दो मुश्तबा ऑपरेटरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो आईएसआईएस की सरगर्मियों को अंजाम देते हुए लोगों को इस्लामिक स्टेट के नज़रियात के जाने पर रागिब कर रहे थे। एनआईए के एक तर्जुमान के मुताबिक कर्नाटक में 6 मुकामात पर छापेमारी के दौरान अडूपी ज़िले के रेशान ताजुद्दीन शेख और शिवामोगा ज़िले के हुज़ैर फरहान खान को गिरफ्तार किया गया है। तर्जमान के मुताबिक गुज़िश्ता साल एक केस दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए ने एक केस दर्ज किया था, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई और मुजरिमीन के ख़िलाफ़ ये मुकदमा कल अदम शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट की शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों को आगे बढ़ाने और मुल्क के इतिहाद सलामती और ख़ुद मुख्तारी को ख़तरे में डालने की तादीर से मुतालिक दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी अराजी पर कब्जा केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद हल्द्वानी से मिलने वाली खबरों के मुताबिक वहां के लोगों ने चैन की सांस ली हैं और कई दिनों बाद अब वहां जश्न का माहौल देखा गया। समाप्त के दौरान जज ने रेलवे और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए और साथ में मजीद तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। जज ने मजीद कहा कि आइंदा समाअत 1 माह बाद 7 फरवरी को होगी। बिहार के ज़िले नवाड़ा में वाक़ एक मदरसे के उस्ताद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि वो तालिबात के साथ मुबैना तौर पर फहाश हरकतें करता था और इसका वीडियो बनाकर तालिबात को ब्लैकमेल करता था। नवाड़ा के SDPO महेश चौधरी ने मीडिया को बताया है कि मदरसे में एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पर फहाश हरकत करने वाले एक उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद मदरसे में काफ़ी हंगामा हुआ। उस्ताद की नाजिबा हरकत से मुकामी लोगों में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। मुलजिम ने नाबालिग तालिबा के साथ फहाश हरकत की और फिर उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद मुलजिम ने वीडियो के जरिए तालिबा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। परेशान तालिबा ने अपने घर वालों को मुकम्मल जानकारी दी, जिसके बाद लवाहिकीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग लड़की के बयान पर मुलजिम के खिलाफ पोक्सो एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मदरसा पहुँच कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कौवाकोल थाना के अंतर्गत पीड़िता द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें मदरसा में कार्यरत एक शिक्षक के द्वारा छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। क्या सर, वो क्या पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है? जी, पॉक्सो एक्ट में ही हुआ है, बच्ची नाबालिग है। उसमें कई छात्राओं ने आरोप लगाया है या एक ही छात्रा ने आरोप लगाया है? सर, उसके मोबाइल का उसकी जांच की जा रही है। जी,
कई आपत्तिजनक अगर तस्वीर मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक इंसानियत शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक प्राइवेट एम्बुलेंस को देने के लिए 3,000 रुपये नहीं थे, जिसकी वजह से बेटे और बाप ने खातून की लाश कंधों पर उठाकर अस्पताल से घर के लिए पैदल निकल पड़े। तफसीलात के मुताबिक जलपाईगुड़ी के क्रांति ब्लॉक के यौमिया मजदूरी करने वाले राम प्रसाद देवान ने अपनी मां लक्ष्मी रानी को सांस लेने में दुश्वारी के सबब कल रात जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिल कराया। रात में लक्ष्मी की मौत हो गई। जब राम प्रसाद एम्बुलेंस के लिए बात की तो उनसे 3,000 रुपये किराया मांगा गया। इतनी रकम ना होने की वजह से राम प्रसाद अपनी वालिदा के साथ मां की लाश को कंधों पर उठाकर घर के लिए रवाना हो गए। ग्रीन जलपाईगुड़ा नामी एक तंजीम के सेक्रेटरी इंकोर दास ने इस पूरे वाक़े को देखा। बारजा उन्होंने तंजीम की एम्बुलेंस को बुलाया और लाश को एम्बुलेंस में रवाना कर दिया, जिसके बाद तंजीम के सेक्रेटरी ने शिकायत की है कि हुकूमत की जानिब से लाश को घर ले जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ज़िले कामारेड्डी के एदलूर में किसानों ने म्यूनसिपल मास्टर प्लान के नतीजे में अपनी ज़मीन खोने वाले किसान की खुदकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। 8 देहात के किसानों ने मास्टर प्लान पर अपनी तशवीश का इजहार किया, जिसके नतीजे में वो अपनी ज़मीन गंवा रहे हैं। उन्होंने कामारेड्डी में कलेक्टर ऑफिस का मुहासिरा करने के लिए एक ज़बरदस्त मार्च भी शुरू किया और हुकाम से अपने मास्टर प्लान को वापस लेने का मुतालबा किया। रामलू नामी किसान ने मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए अपने घर में फांसी ले ली, जिसकी वजह से किसानों की ज़मीनें सनती जोन से महरूम हो गईं। किसानों ने कहा कि अगर मास्टर प्लान वापस नहीं लिया गया तो वो MLA को वोट मांगने अपने गाँव आने से रोकेंगे। इसके अलावा वो रामलू की लाश को ट्रैक्टर में लेकर एहतजाज के लिए रवाना हो गए। कलेक्टर ऑफिस के मुहासिरे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने किसानों को रोककर गिरफ्तार कर लिया। बारजा रामलू की लाश को इलाके के अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। इस वाकये के बाद रामलू की बीवी ने पुलिस के खिलाफ उसके शौहर की लाश उसकी बगैर इजाजत के ले जाने पर एहतजाज किया। BJP ने कामारेड्डी में किसानों के एहतजाज की हिमायत की, जिसमें दुबा के BJP MLA रघुनंदन राव ने एहतजाज में शिरकत की और कलेक्टर से म्यूनसिपल मास्टर प्लान को फौरी तौर पर वापस लेने की अपील की। जहीराबाद MLA के मानिक राव से आज जहीराबाद के तेलुगु और उर्दू सहाफियों के एक वफ्द ने मानिक पटेल एडवोकेट और हरि कृष्णा की क्यादत में कैंप ऑफिस जहीराबाद में उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए MLA जहीराबाद से मुतालबा किया है कि जहीराबाद में पिछले साल कुछ सहाफियों को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकान दिए गए थे, इसमें से कुछ सहाफ़ी डबल बेडरूम मकान से महरूम हो गए थे। जहीराबाद के डबल बेडरूम से महरूम सहाफ़ियों ने MLA जहीराबाद से अपील की है कि उन्हें जहीराबाद में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात दिए जाएं या मकानात की तामीर के लिए इनके नाराज़ी अलाट की जाए। इस मौके पर TRS टाउन सदर सैयद मोहीउद्दीन, साबिक म्यूनसिपल मोहम्मद यूनुस, साबिक काउंसलर सहाफ़ियों में विष्णु वर्धन, मोहम्मद शमसुद्दीन रिजवान, मोहम्मद महबूब गौरी, मोहम्मद करीमुद्दीन, शुजाउद्दीन नवीन, बसवराज, आकाश चंदू, संजीव कुमार, जगन के अलावा दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। MLA जहीराबाद ने सहाफ़ियों को तयखुन दिया है कि वो इस फौरी तवज्जो देते हुए इसका हल जरूर निकालेंगे। हैदराबाद की CCS खसूसी टीम ईस्ट जोन की जानिब से एक मुसद्दिका इतला पर धूरपेट में वाक़ एक दुकान पर छापा मारा गया, जिसमें ममनुआत चाइना मांजा मुकामी लोगों को फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक 21 साला मुलजिम नरसिंह सिंह जाली हनुमान का रिहायशी, जो तालिब इल्म बताया गया है, को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 2 कार्टून जो कुल 93 चरखों पर मुश्तमिल हैं उसे जब्त कर लिया गया और उसे ज़रूरी कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही में वाक़ हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पिछले 100 साला कदीम है, जहां दरगाह के अलावा कब्रिस्तान भी मौजूद हैं। यहां पर ज़िम्मेदारों की जानिब से मुसलसल लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। कब्रिस्तान में जगह जगह कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान में मौजूद नालियों का आलूदा पानी कई दिनों से कब्रों के अहाते में मुसलसल बह रहा है, जिसकी वजह से अपने मरहूमिन की कब्रों पर आने वाले जायरीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है।
दरअसल यहाँ मौजूद कमेटी, जो कि हकीकत में यहाँ कोई कमेटी ही मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद लोग अपने आप को कमेटी के जिम्मेदार बताकर लोगों से सिर्फ पैसा बटोरने में मसरूफ़ हैं। इन अफराद की जानिब से लोगों से मेंटेनेंस के नाम पर और खबर खोदने के चार्जेस के तौर पर 3-4 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। बावजूद इसके कब्रिस्तान में साफ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि आइंदा कुछ दिनों में शब मेराज व शब बरात के मौके पर कब्रिस्तान में मरहूमीन के खबरों पर आवाम का हुजूम होता है। कब्रिस्तान के जिम्मेदारान होने का दावा करने वालों को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रेवा में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, हादसे में पायलट की हो गई मौत। कर्नाटक से आईएसआईएस के दो मुश्तबा ऑपरेटर गिरफ्तार, कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 6 मुकामात पर मारे छापे। और रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर हुक्म अल्तवा। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद हल्द्वानी के आवाम में जश्न। बीबीएन न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है, ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुँचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।